वार्निंग, इस लिस्ट की पांचों वेब सीरीज ऐसी है जिन्हें देखने के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो सकती है। हो सकता है इन पांचों सीरीज के बाद इनके कैरेक्टर्स की इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में बहुत हद तक बढ़ जाए, और शायद आप में से बहुत से लोगों ने इन सीरीज को पहले ही देख लिया होगा, लेकिन ये सिर्फ एक फैन मेड वीडियो है। सभी वेब सीरीज को उनके IMDb और मेरी पर्सनल रेटिंग के हिसाब से रैंक किया है, और सबसे जरूरी ये सारी टॉप क्लास के हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। यही तो वो पल है जिनके लिए हम जीते हैं। नंबर 5 पर 8.2 IMDb रेटिंग के साथ सीधा 5 सीजन्स ड्रामा थ्रिलर मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट इंडिया में कितनी पॉपुलर है शायद ये बताने की जरूरत नहीं। आपके गली मोहल्ले के हर दूसरे लड़के को बेला चाव ये गाना गाते हुए जरूर सुना होगा। बहुत कम ऐसी सीरीज होती है जो आपको शुरू के एक दो एपिसोड से ही हिप्नोटाइज कर लेती है। मनी हाइस्ट को उन सीरीज में गिनना गलत नहीं है। इसका टॉपिक सिंपल है, चोर और पुलिस। पुलिस चोर को कैसे पकड़ती है ये तो आपने बहुत जगह देखा होगा, लेकिन चोर किस स्टाइल में चोरी करता है, कैसे करता है, और वो भी पुलिस की आंखों के सामने, जहां इसके हर फ्रेम में इतना सस्पेंस और थ्रिल है कि आपकी हार्ट बीट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। प्रोफेसर, बर्लिन, टोक्यो, डेनवर, ये नाम आपको अभी नॉर्मल लग रहे होंगे, लेकिन सीरीज खत्म होने के बाद जहाँ कहीं भी आपको ये नाम दिखेंगे आपको पहले मनी हाइस्ट की याद जरूर आएगी। और हाँ, सबसे जरूरी बात, सारे काम खत्म करके इसे देखना, क्योंकि एक बार इसे स्टार्ट कर दिया तो कुछ दिनों के लिए दुनिया जमाने से अलग हो जाओगे। इस पर से हिंदी डबिंग नेटफ्लिक्स की किस लेवल की होती है शायद ये बताने की जरूरत नहीं। नंबर 4 पर 8.7 IMDb रेटिंग के साथ मनी हाइस्ट से एकदम अपोजिट ऑडियंस के लिए 4 सीजन्स मिस्ट्री ड्रामा स्ट्रेंजर थिंग्स। इस सीरीज के बारे में क्या ही बात करना, बस आपको इतना ही कहूंगा कि अगर टिपिकल टॉपिक वाली वेब सीरीज आपको हजम नहीं होती तो स्ट्रेंजर थिंग्स की अपसाइड डाउन की दुनिया आपको अपने अंदर डुबा लेगी, जिसमें एक बार अगर डुबकी लगा ली तो बाहर निकलने का मन नहीं करेगा। सीरीज का सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री, कैरेक्टर डेवलपमेंट और यूनिक कॉन्सेप्ट जो आपको इसकी 4 सीजन्स तक बांध कर रखेगा। हर सीजन का लेवल पिछले से एक लेवल ऊपर होता है। बहुत से लोग इसे बच्चों का शो बोलकर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन गारंटी है फर्स्ट सीजन के बाद ही बच्चे बन जाओगे। बाप लेवल की हिंदी डबिंग नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल। 4 सीजन अगर कुछ यूनिक और हटके कॉन्सेप्ट वाली वेब सीरीज ढूंढ रहे हो तो ये सीरीज आपका दिमाग घुमा कर रख देगी। नंबर 3 पर 8.8 IMDb रेटिंग के साथ 3 सीजन क्राइम ड्रामा नार्कोस। इस सीरीज के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कोई मूवी या सीरीज तो नहीं, लेकिन बहुत से ड्रग डीलर्स और क्रिमिनल्स इस सीरीज से इंस्पिरेशन लेते हैं कि आखिर क्राइम करना कैसे है। स्टोरी एक ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार की, जिसे किंग ऑफ कोकेन भी कहा जाता है, 80s के टाइम का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड कहा जाता है, जिसने सिर्फ सर्दी से बचने के लिए $2 मिलियन जला दिए थे। और ये एकदम सही बात है, इस सीरीज में आपको कोकेन, क्राइम, लड़कियां, ड्रग्स, पॉलिटिक्स, सेक्स की भरमार मिलेगी। रियल लाइफ क्रिमिनल की स्टोरी पर बेस्ड इस सीरीज को एक बार तो जरूर देखना। टोटल 3 सीजन नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल, 100% मस्ट वॉच है। टॉप 2 नंबर पर जाने से पहले, यहाँ से ये लिस्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस चैनल पर ऐसे ही और भी रिकमेंडेशन आप तक सबसे पहले पहुँचते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। नंबर 2 पर सीधा 9.2 IMDb रेटिंग के साथ 8 सीजन फैंटेसी एडवेंचर गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स, ये नाम आपने ना सुना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सीरीज वर्ल्ड वाइड इतनी पॉपुलर है कि कई सारी मूवीज में इसके रेफरेंसेस आते रहते हैं। मुझे आज भी याद है जब मैंने इसे देखना स्टार्ट किया था तो 8 सीजन खत्म करते करते गेम ऑफ थ्रोन्स से कनेक्शन सा बन चुका था, जिसका हैंगओवर उतारने और नॉर्मल लाइफ में वापस आने के लिए बहुत टाइम लगा था। सीधे वर्ड्स में सीरीज कहना गलत होगा कई लोगों के लिए, जिनमें से एक मैं भी हूँ, इमोशन है गेम ऑफ थ्रोन्स। एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी, ड्रामा, हॉरर, मिस्ट्री, पॉलिटिक्स और रिवेंज सब कुछ मिलेगा इसमें आपको। कैसे सत्ता के लिए बेटा बाप को मार देता है, बाप भाई को, और हर एक कैरेक्टर जिसकी कोई गारंटी नहीं कि अगले एपिसोड में वो जिंदा भी रहेगा या नहीं। टार्क्स, टारगेरियंस, लैनिस्टर्स, बराथियंस, ये नाम आपके दिमाग में छप जाएंगे सीरीज का एंड आते आते। 2008 की इस सीरीज के विजुअल्स इतने रियलिस्टिक है कि आज की सीरीज को भी टक्कर देते हैं। बस आपको शुरू के 2-3 एपिसोड्स तक पेशेंस रखना होगा। जियो सिनेमा पर एक एवरेज हिंदी डबिंग, और अगर इसे नहीं देखा तो समझो कुछ भी नहीं देखा। आखिरकार द वेट इज ओवर, जिसे बाप ऑफ ऑल सीरीज कहा जाता है, उसको हिंदी में डब करके रिलीज कर दिया। इस लिस्ट की नंबर 1 की सीरीज 9.5 IMDb रेटिंग के साथ क्राइम ड्रामा ब्रेकिंग बैड। Who is it? Do you think you see? आपको हर दूसरा इंसान कभी ना कभी तो ब्रेकिंग बैड की तारीफों के पुल बांधता हुआ जरूर मिला होगा, लेकिन ऐसा क्या है इस शो में जो 15 साल बाद भी इसे बाप ऑफ ऑल सीरीज बनाता है। इसका जवाब है बेटर कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्टोरी, कैरेक्टर्स और खासकर वॉल्टर व्हाइट, ये कैरेक्टर जो आपको हिप्नोटाइज करने की ताकत रखता है। अपने आखिरी टाइम में वॉल्टर व्हाइट एक नॉर्मल सा टीचर फैमिली के लिए कुछ बड़ा करके मरना चाहता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और जब ये सिंपल सा टीचर अपनी पर आता है तो कैसे सबकी मार के रख देता है वो देखने में आपको
नशा हो जाएगा इस सीरीज का। सिर्फ 3 सीजन देखने के बाद मैं आराम से कह सकता हूँ कि जैसे जैसे आप इस सीरीज को देखते जाते हो आपको एक अलग लेवल का नशा हो जाएगा जिसकी हैंगओवर से बाहर आने का मन नहीं करेगा। और एक जरूरी बात, सीरीज का सीजन 1 बहुत स्लो है, हो सकता है आपके पेशेंस जवाब दे दे, लेकिन एक बार आपने इसे देख लिया तो लाइफ टाइम इसके लिए एक खास जगह रहेगी दिल में। इन 5 सीरीज को रीवॉच किया है पिछले 1 महीने से, चैनल पर कोई वीडियो नहीं आया, तो लाइक टारगेट कुछ नहीं, लाइक डिसलाइक जो मर्जी वो कर देना। और कमेंट सेक्शन खुला है, इन 5 सीरीज में से आपकी फेवरेट कौन सी है और क्यों है जरूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।